वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। रोहिंग्या समुदाय के लोग भी जमात में शामिल हुए थे, फिर गायब हो गए, अपने कैंप वापस ही नहीं लौटे। अब गृह मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को आगाह किया है और उनकी तलाश का निर्देश दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से छिपे जमातियों की धरपकड़ चल ही रही थी कि इस मामले में एक और नया खुलासा हो गया। खबर है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले रोहिंग्या मुसलमान अपने ठिकानों पर वापस नहीं पहुंचे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गायब हैं। मरकज से लौटकर कहां गए, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। गृह मंत्रालय को खबर मिली तो हड़कंप मचा। तमाम राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इनकी तलाश करने को कहा गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया, ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अब तक वो अपने कैंपों में लौटे नहीं है, ऐसे में उनकी तुरंत तलाश की जानी चाहिए। मरकज में 4000 से 5000 के बीच जमाती पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से पहले सैकड़ों के वापस लौटने की खबर है। इनमें से कई देश के अलग अलग हिस्सों से धरे भी गए। जब कोविड 19 की जांच हुई तो सैकड़ों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। देश भर में 25,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन किए गए और अब रोहिंग्या मुसलमानों का बिना जांच के गायब रहना नई खतरे की घंटी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग भी गए थे, लेकिन मरकज से निकलने के बाद अब इनका कोई पता नहीं है। जाहिर है उनका कैंप ना लौटना खतरनाक भी है और साजिशपूर्ण भी नजर आ रहा है। आखिर वो क्यों छिपे हुए हैं? वायरस के संक्रमण के लिहाज से भी और सुरक्षा की दृष्टि से उनका पकड़ा जाना जरूरी है। कमलजीत संधु के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।